बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी, गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहजी में पढ़ेंगे हे और खे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र आ रहा है, ये है एक फ्लैश कार्ड और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक तस्वीर बनी है। इसको गौर से देखो और बताओ ये क्या है, आपने कभी देखा है? ये हुक्का है। ये हुक्का है, इसके नीचे यहाँ पे पानी डाला जाता है, यहाँ पर आग रखी जाती है और बुज़ुर्ग पुराने वक्तों में बैठते थे जब सारे इकट्ठे होके रात के वक्त, तो फिर इसमें आग जला के हुक्का पिया करते थे। ये है हुक्का। क्या है? हुक्का। हुक्का, इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो, इसकी आवाज़ है हुक्का हुक्का हुक्का। ये है जी, ये जीम के ख़ानदान का तीसरा फर्द है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, ये खाली है। इसकी आवाज़ है, इसका नाम है हे। हे हुक्का, सिर्फ हम सांस लेंगे यहाँ से और ये है हुक्का हुक्का हुक्का। हे हुक्का, हे हुक्का। इसको कैसे लिखते हैं जी? इसको लिखना तो बहुत आसान है, जैसे हमने जीम लिखा था और इसके ऊपर हमने कोई नुक्ता नहीं लगाना। ये है हे 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 हुक्का। हे से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपनी किताब पर देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। ये है मिठाई की दुकान है, यहाँ पर बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें मिलती हैं। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी। ये वैसे बनाता कौन है? ये बनाता है हलवाई 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 बनाता है। और हलवाई और भी एक मीठी चीज़ बनाता है, वो कौन सी होती है? हलवा हलवा बनाता है हलवाई हलवाई हलवा भी बनाता है। और ये क्या है? जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम जाके यहाँ पर तैरते हैं, नहाते हैं और बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं। ये है हौज़ 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 में हम नहाते हैं। ज़रा मैं इन सब के नाम दोबारा बोलती हूँ तेज़ी तेज़ी से, आपने इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से देख सुनना है, ठीक है? हलवाई हलवा हौज। इसकी इब्तदाई आवाज़ है हलवाई हलवा हौज। वेरी गुड। अरे भाई, ये कौन है? ये है हे हे हे, और इसकी आवाज़ है हलवाई हलवा हौज। और यहाँ पर इसकी इब्तदाई अशकाल हैं, जब हम दो हर्फ को आपस में मिला के एक नया लफ्ज़ लिखते हैं तो हम इब्तदाई अशकाल का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से हमने जीम चे की इब्तदाई अशकाल देखी हैं, ये बिल्कुल वैसी हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं। तो चलें आए चलते हैं अब इसकी लिखाई की तरफ और देखते हैं कि हे और की मुकम्मल शक्ल को और इब्तदाई अशकाल को लिखते कैसे हैं। अब हम यहाँ पर हे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हे की मुकम्मल शक्ल। और ये है हे की इब्तदाई अशकाल। हमने इसको दो से तीन मरतबा लिखना है ताकि हमें बेहतर तरीके से हे लिखना आ जाए। अब हम यहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर हे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हे की मुकम्मल शक्ल।
और ये हैं इब्तदाई अशकाल। हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें हे लिखने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। हम इसको लिखते हैं, इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हे लिखेंगे। इब्तदाई नुक्ते से हम हे लिखेंगे। ये हमने हे की मुकम्मल अशकाल लिख ली। उसके बाद हम इब्तदाई अशकाल लिखते हैं। यहाँ पर हमने हे की मुकम्मल अशकाल और इब्तदाई अशकाल लिखी हैं। अब हम इसको अलिफ के साथ कैसे मिला के लिखते हैं और वाव के साथ कैसे मिला के लिखते हैं ये सीखते हैं। हे अलिफ हा, हे वा हू, हा हू। हमने आज इस सफ़े पर पहले हे से बनने वाली तस्वीरों को गौर से देखा, उनके नाम सीखे, हे की आवाज़ सीखी, उसको बोलना सीखा, पढ़ना सीखा और लिखना सीखा। डियर टीचर्स पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। हरफ हे रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बताएं कि हरफ हे का तलफ्फुज हे है। बच्चों को हरफ हे इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ हे इब्तदाई अशकाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों से पूछें कि हलवा किस किस को पसंद है। हे से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज के बारे में बताएं, जैसा कि हजाम, हाजी वगैरह। इस तरह से बच्चा हरूफ तहजी को बेहतर तरीके से समझने के काबिल होगा। जी बच्चों, आपको यहाँ पे मेरे हाथ में क्या नज़र आ रहा है? एक फ्लैश कार्ड, और इस फ्लैश कार्ड पे एक बहुत ही प्यारा सा जानवर है। ज़रा गौर से देखो, इसका नाम सोचो। ये है खरगोश। जी ये है खरगोश। खरगोश सफ़ेद रंग का होता है, कुछ स्याह रंग के भी होते हैं। और खरगोश खुश होके क्या खाता है? गाजर खाता है। और ज़मीन को खोदता रहता है। ये बहुत ही प्यारा मासूम सा जानवर है और ये बहुत प्यारा लगता है। इसका नाम क्या है? ज़रा सारे मिलके बोलो, खरगोश। वेरी गुड, ये है खरगोश। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो, खरगोश खरगोश। ये है खरगोश। वेरी गुड। और यहाँ पर आपको कौन नज़र आ रहे हैं? ये जीम के ख़ानदान का ही फर्द है और इसके सर पर है एक नुक्ता। और इसका नाम है खे। क्या है? खे। खे इसका नाम है और इसकी आवाज़ है खरगोश। यहाँ पर हम देखते हैं खे को कैसे लिखा जाता है। खे खे खे। खे से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपने पेज पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी तस्वीरें हैं और इनके नाम क्या हैं। जी यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप गौर से देखो और मुझे इनके नाम ज़रा सोच के बताना। ये क्या है? मीठा मीठा खरबूजा है। और ये तो हम जानते हैं, ये है खरगोश।
और ये क्या है? जब हम घर से दूर कहीं सैर करने के लिए गए होते हैं तो हम वहाँ पर एक खेमा लगाते हैं। वेरी गुड, ये है खेमा। खेमा खरबूजा, खेमा खरगोश, खरबूजा खेमा खरगोश। ज़रा इसकी आवाज़ों को गौर से सुने और मुझे इसकी इब्तदाई आवाज़ ज़रा नोट करके बताएं। खरबूजा खेमा खरगोश। इसकी इब्तदाई आवाज़ है ख ख ख, ख से खरबूजा, ख से खेमा, ख से खरगोश। वेरी गुड। और यहाँ पर कौन है जी? ये है खे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। खे, खे से खरबूजा, खे से खेमा, खे से खरगोश। वेरी गुड। और ये है इसकी इब्तदाई अशकाल। जब हमने इन हरूफ को दो या तीन को मिलाकर कोई लफ्ज़ लिखना होता है तो हम इब्तदाई अशकाल का इस्तेमाल करते हैं। ये है खे की इब्तदाई अशकाल। इसको गौर से देखें और अब हम इनको लिखने की तरफ चलते हैं। तो चलें आए चलते हैं, इसको लिखते कैसे हैं ये सीखते हैं। अब हम स्लेट के ऊपर खे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। खे के ऊपर एक नुक्ता, ये खे की मुकम्मल शक्ल है। इस तरह से हमने खे की मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई अशकाल को लिखा है। आप दो से तीन मरतबा लिखें ताकि आप बेहतर तरीके से लिख सकें। अब हम यहाँ पर बोर्ड के ऊपर खे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। हमने यहाँ पर मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई अशकाल को लिखने की प्रैक्टिस की है। आप दो से तीन मरतबा लिखें ताकि आप बेहतर तरीके से लिख सकें। पेंसिल फेरें और लिखें। अब हम यहाँ पर किताब के ऊपर खे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमें इब्तदाई नुक्ता दिया गया है, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हम लिख रहे हैं खे। यहाँ पर सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है और हम खुद से ही लिखेंगे खे, इस तरह से। फॉर्मेशन को फॉलो करते रहेंगे। हमने खे की मुकम्मल अशकाल को लिखा है, अब हम इसकी इब्तदाई अशकाल को लिखेंगे। हम खे को अलिफ के साथ और खे को वाव के साथ मिलाकर किस तरह से लिखा जाता है ये सीखेंगे। खे, खे अलिफ हा, खे अलिफ हा और खे वा खू, हमने यहाँ पर लिखना सीखा है। इस पूरे सफ़े पर हमने खे की तस्वीरों को पहले देखा, उनके नाम सुने, फिर उसको बोला, फिर हमने पढ़ा और साथ ही साथ हमने लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। हरफ खे रेत पर लिखकर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बताएं कि हरफ खे का तलफ़ खे है। बच्चों को हरफ खे और इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ को जोड़कर किस तरह से बोला जाता है ये भी बताएं। इनकी आवाज़ों की पहचान करवाएं। हरफ खे इब्तदाई अशकाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें।
खे से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बच्चों को बताएं, जैसा कि खर, खाला वगैरह। इसके साथ ही बच्चों को खे के साथ जो नए अल्फाज हम बनाना सिखा रहे हैं ये सिखाएं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।